शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम 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 छोटा भीम छोटा भीम भीम। अरे अरे बाप रे बाप रे बाप रे, मेरी लेडी भीम बुबू, तुम ये सब क्या कर रही हो? घर में तहलका क्यों मचा रही हो तुम? अरे मैं तहलका नहीं मचा रही हूँ दूदू, मैं भीम के कैरेक्टर में घुस गई हूँ। मैं भीम हूँ भीम, मैं हूँ लेडी भीम बूबू, इसलिए मैं भीम की तरह करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं भीम जैसा शक्तिशाली बनकर सारे बुरे लोगों को सबक सिखाना चाहती हूँ। हाँ बूबू, ये बात तो बिल्कुल सही है, बुरे लोगों को सबक सीखना ही चाहिए। हाँ हाँ दूदू, हाँ हाँ हाँ, जो सब बुरे लोग लड़कियों को तंग करते हैं, मैं सबको सबक सिखाऊंगी। मैं उन लोगों को बहुत मारूंगी, बहुत मारूंगी, बहुत मारूंगी। मारते मारते मैं एकदम बहुत ही ज्यादा बुरा हालत बना दूंगी। हाँ बुबू हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल भी फिकर मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और सब बुरे लोगों को सबक सिखाऊंगा मैं। अच्छा बूबू, क्या तुमने खाने में कुछ बनाए हो? मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लगा है। सॉरी टूटू, खाना बनाना तो मैं भूल ही गई। भीम के कैरेक्टर में घुस जाने के बाद मुझे तो भूख भी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने खाना बनाने का तो भूल ही गई। बाप रे, लेकिन भीम को तो लड्डू से शक्ति मिलता है, तुम्हें कहाँ से शक्ति मिल रहा है बुबू? बिना कुछ खाए तुम इतना ज्यादा उछल कूद कैसे कर लेती हो? जो लड्डू मैंने भगवान को प्रसाद चढ़ाई थी वो लड्डू तुमने खाई हो, और वो लड्डू खा कर ही मेरे अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ गया है जूजू। अच्छा अच्छा ठीक है बुबू, मेरी लेडी भीम, अब तुम जाओ मेरे लिए कुछ खाना बना कर लेकर आओ प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं फटाफट से तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ। फटाफट से तुम क्या बना लोगी बुबू? नूडल्स? नहीं नहीं, मुझे नूडल्स नहीं खाना, मुझे कुछ अच्छा खाना है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुकिंग में हेल्प कर सकता हूँ। अगर तुम हेल्प भी करोगे तो भी अच्छा खाना बनाने में टाइम तो लगेगा ना डूडू? कोई बात नहीं बुबू, थोड़ा सा वेट तो मैं कर ही सकता हूँ, लेकिन मुझे नूडल्स नहीं खाना, तुम मेरे लिए वेज मशरूम फ्राइड राइस बना दो बुबू। अच्छा तुम्हें वेज मशरूम फ्राइड राइस खाना है डूडू, ठीक है चलो मेरे साथ कुकिंग में हेल्प करो, फिर तो जल्दी जल्दी फ्राइड राइस बन जाएगा। हम दोनों मूवी देखने चलेंगे। ओह वाओ जूजू, थैंक यू सो मच, तब तो बड़ा मजा होगा। लव यू अ लॉट माय मोटा सोना दूजू। ला 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 ला
मुझे कोई भी डर नहीं लगता है जूजू हॉरर मूवी देखने में। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मेरी हाथ पकड़ लो। क्या तुम्हें अभी भी डर लग रहा है जूजू? बिल्कुल भी नहीं माई, मुझकी सुना बुबू। भम 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 पई 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 भम 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 पई 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 पई। जूजू आज का मूवी बहुत ज्यादा अच्छा था। मुझे हॉरर मूवी देखना बहुत ज्यादा पसंद है जूजू, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा डर रहे थे, इसलिए अगली बार से हम हॉरर मूवी नहीं देखेंगे, वरना तुम्हें बहुत ज्यादा डर लगेगा। हाँ, हॉरर मूवी देखने से मुझे थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन बुबो तुम तो मेरे हाथ पकड़ कर रखे थे, इसलिए मुझे ज्यादा डर नहीं लग रहा था। तुम्हारे हाथ पकड़ते ही सारा डर गायब हो गया था, इसलिए अगली बार से हम हॉरर मूवी ही देखेंगे, ताकि हॉरर मूवी देखने के बहाने पे मैं तुम्हारी और भी करीब आ पाऊंगा। अच्छा रे शैतान नोटी जूजू, तो तुम्हारा इरादा ऐसा ही? अच्छा अच्छा, इसीलिए तो मैं सोच रही थी, जूजू को तो हॉरर मूवी देखना ज्यादा पसंद नहीं है, तो फिर जूजू ने हॉरर मूवी देखने का टिकट क्यों लिया? अब ये बात साफ हुआ है। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा इरादा ऐसा है शैतान जूजू? यस यस बाबा, तुम तो मेरी प्यारी सुना बाबा हो, इसलिए हमेशा मैं तुम्हारे करीब आने का बस बहाना ढूंढता रहता हूँ। आ माय मोटा सुना जूजू,